हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा पहला दिन है इसलिए हम एक्सेल के कुछ बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। यहाँ पर आप माउस से कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ब्रैकेट हाईलाइट हो जाएगा। असल में ये ब्रैकेट ही सेल होता है और ये सेल मिलकर बनता है रॉ और कॉलम से। आपको जो ऊपर ए बी सी डी जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम होते हैं और साइड में आपको 1, 2, 3, 4 जो दिखाई दे रहे हैं ये रॉ होती हैं। और ये रॉ और कॉलम जहाँ पर मिलते हैं वो वहाँ एक सेल बन जाता है। अब इस समय मैंने कहीं भी क्लिक किया तो उस सेल के मिलने की जगह हाईलाइट हो जाती हैं दोनों साइड से। आप देखिए, ऊपर डी हाईलाइट है और ये साइड में 8 हाईलाइट है। ये दोनों मिला के एक सेल को एक नाम दे देते हैं। इस सेल का नाम है D8। इसी तरीके से आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो सेल को एक नाम मिल जाएगा रॉ और कॉलम को मिला के, जैसे कॉलम नंबर B और रॉ नंबर 4। ठीक है, इस सेल में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज़ कीजिए और अगले सेल में जाने के लिए आप एंटर का यूज़ कीजिए। इस सेल को कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। सेल पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कट कॉपी पेस्ट कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। जब आप कट कॉपी पेस्ट कोई भी कमांड यूज़ करेंगे तो ये सेल ब्लिंक करने लग जाएगा, यानी इस पे कमांड अप्लाई हो चुकी है। और कहीं भी दूसरे सेल में जाके आप फिर वही कमांड यूज़ कीजिए। जैसे हमने यहाँ से कट किया था तो इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, देखिए वो फिर से ब्लिंक होने लग गया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया सेल में कट कॉपी पेस्ट करना। अब सेल को सेलेक्ट भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे, बस वहाँ टेक्स्ट करते थे, यहाँ हमें सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए माउस से आप कहीं भी क्लिक कीजिए और उसे सेलेक्ट करते जाइए। ठीक है, और इसमें टाइप करना बहुत आसान है। बस आप नंबर, अगर आपको टाइप करना है, इसमें ज़्यादातर नंबर ही हमको टाइप करने होते हैं, टेक्स्ट से हमें कम वास्ता पड़ता है। और एक्सेल जो है पूरी तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं, जितना भी सब कुछ है, ज़्यादातर नंबर बेस्ड ही हैं। टेक्स्ट के फॉर्मूले बहुत कम होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है नंबर बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं। आप टैब का यूज़ कर सकते हैं, आप एंटर का यूज़ कर सकते हैं, आप कीबोर्ड की एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिखाई देगा। इसमें आप सेल में जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको साथ के साथ ऊपर फार्मूला बार में भी दिखाई देता जाएगा और सेल का नाम आपको ये नेम बॉक्स में दिखाई देता जाएगा। ये जो हम जिस भी सेल में हम काम करते हैं वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है, यानी आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करके काम करेंगे वो सेल आपका एक्टिव सेल होगा। इसी और कट कॉपी पेस्ट करने पर भी वही सेल एक्टिव रहता है जो आप जिसमें आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको एक सामने पूरी एक शीट दिखाई दे रही है इसको हम वर्कबुक बोलते हैं या स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। इसी इस शीट को आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, ये सारी शीटें दे रखी हैं। जब आप एक्सेल को खोलते हैं या एक्सेल में नई फाइल बनाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीटें मिलती हैं, लेकिन अगर ये कम पड़ती हैं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें और भी शीटें जोड़ सकते हैं। या तो यहाँ नीचे आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए या आप शिफ्ट के साथ F11 दबा दीजिए तो आपकी वर्कबुक में और भी शीट जुड़ती चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अभी पीछे जुड़ी है कुछ शीटें, आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आगे भी शीटें जुड़ती चली जाएंगी। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।